भागो यार, मेरी मम्मी पापा चले गए आगे और यहाँ पर रहता है बाघों का डर। ये देखो ऐसा रास्ता है, खड़ा रास्ता एकदम। गाइस हमें पानी मिल रहा है, हेलो बोल दो। हेलो, पूरा घुस गया अंदर, पूरा चूहा खा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे सेकंड व्लॉग में। और जैसा कि आप लोग मुझे जानते होंगे जिसने पहला व्लॉग देखा है, तो और जिसने नहीं देखा है उनको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है योगेश जोशी और मैं रहता हूँ दिल्ली से, बट मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड फाइनली, तीन साल बाद आ रहा हूँ मैं उत्तराखंड। और हमारे गांव में कोई भी नहीं रहता है, मेरी दादी सब दिल्ली में ही रहते हैं हमारे साथ में, मेरे सारे रिलेटिव्स भी दिल्ली में ही हैं, गांव में कोई नहीं रहता है। तो मम्मी अभी हम कहाँ पर आ गए? शिवालय भिवांडेश्वर में। ये शिवालय भिवांडेश्वर है और शिव जी का वास होता है। ओके, यहाँ हमारे शिव जी का वास होता है और ये हमारा मंदिर, ये अभी मैं नीचे से दिखा रहा हूँ आपको। और ये हमारी है कुछ क्या बोलते हैं इसे, गाढ़ है ना, ये है हमारी गाढ़। और आपको मंदिर में कभी और दिखा दूंगा क्या क्या चल रहा है। अभी हमने नहाया भी नहीं है, अभी जस्ट हम आए रहे हैं और हमें बज गए, हम दिल्ली से अपने घर से निकला हूँ मैं मैक्सिमम उस टाइम पे हम निकले थे 3:30 बजे हम घर से निकले हैं और फाइनली अब यहाँ पर हो चुका है टाइम 11:13 टाइम हो रहा है और अभी हम शिवालय पहुँचे, अभी घर भी नहीं पहुँचे। और अभी हमारा घर पड़ता है कोड़ा में, तो जाते जाते देखते हैं कितना टाइम लगता है। और वैसे तो बहुत टाइम लगेगा और मेरे को तो लग भी नहीं रहा मैं जल्दी चढ़ पाऊँगा ऊपर, इतना मोटापा वैसे आ गया शरीर में। बस तो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना पार करने वाला है। क्या है मम्मी? ये हमारे है यही हमारा स्नान होता है, हमारा स्नान होता है, नहाते हैं यहाँ पर। ये देखो ये पानी पूरा बहता हुआ आगे से आ रहा है। ये हो चुकी है हमारी रास्ते की शुरुआत, तो ऐसे हमारा गांव का रास्ता बनता है। अभी तो ये शुरुआत है गाइस, अभी ये क्या है शुरुआत, आगे तो पता नहीं कैसे कैसे हमें चढ़ना पड़ता है ना, आपको दिखाऊंगा ना गाइस। रास्ते बहुत ही अलग से होते हैं जिसका मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, आपको दिखाऊंगा रास्ते क्या क्या चलते हैं, कैसे कैसे जाते हैं इधर के। कोई यहाँ पर स्टेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लोगों ने बनाए हुए हैं। अच्छा, और मेरे पापा मुझे ब्लॉक करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है मैं मानूंगा नहीं, बनाऊंगा मैं, ठीक है आपको दिखाना जो है गाँव, ठीक है समरिया। तो ऐसी है, अब देखते हैं घर का हाल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, बने रहिए, बाय बाय। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मंदिर से थोड़ा सा ऊपर और पहला घर आपको दिखाता हूँ कहाँ है, वो देखो टॉप पे एक घर दिख रहा है, ये पहला घर है हमारे गांव का। और अभी तो इससे बहुत 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 ज़्यादा ऊपर है हमारा घर भाई, पूरा पूरा चढ़ाई एक से, अभी हम दिल्ली से आ रहे तो हमें तो एक से डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा ऊपर चढ़ने में, 20 आवर्स या 21 आवर्स तो अप्रोक्स लग ही जाएंगे हमें अपने दिल्ली के घर से निकल के अपने गांव के घर तक पहुंचने में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं मेरा गांव है दोहराट में, मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे। भाई पता नहीं क्या क्या दिखने के लिए मिलेगा और मेरे मम्मी पापा तो चले गए हैं बहुत आगे, मैं व्लॉगिंग के चक्कर में रह गया हूँ पीछे, क्योंकि मेरे पापा कर रहे हैं गुस्सा कि क्या फालतू हरकतें कर रहा है तू रास्ते में, तो मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा कर रहे हैं मेरे पे गुस्सा, क्योंकि हमारे गाँव में कोई भी नहीं है और पापा बहुत थक चुके हैं, उनके पैर में भी थोड़ा बहुत दर्द रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होता है, थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, यहाँ तक का व्यू दिखा देता हूँ कैसा व्यू है, फिर आपको फाइनल व्यू तो मैं अपने घर से दिखाऊंगा कैसा आता है मेरे घर से फाइनल व्यू। सो देखो व्यू,
ये मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं। और देखो गाइस हम वहां से आ रहे हैं, जो पहला घर दिख रहा है नीचे, हम वहां से आ रहे हैं। और अभी हमें तो एकदम टॉप पे जाना है, जो सबसे टॉप का जो घर है ना वो मेरा है पूरे गांव में। तो गाइस मेरी सांस फूल रही है, तो मैं आपको पूरा व्लॉग तो कंटिन्यू ऐसे चलते चलते दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं और स्किप कर दोगे। और मेरा न्यू व्लॉग है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आप मिनट में स्किप कर दोगे, देखोगे नहीं। तो मैं आपको जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जो जो दिखाने वाली चीज़ें होंगी वो दिखाऊंगा आपको। और फाइनली अपना घर दिखाता हूँ कैसा है, क्योंकि मेरे घर में सीरियसली 3 साल हो गए हैं कोई नहीं रहता उधर, और पता नहीं अब घर की हालत क्या हो रखी हुएगी, क्या बोलूं। तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो आपको मैंने दिखाया था कि हमारा गांव का जो पहला घर है, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ के जो लोग हैं इतने स्वीट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं ना, क्या ही बोलूँ। बट हम आए थे इधर और इन्होंने हमें यहाँ पर रोका और हमारा बैग वैग उतरवाया, और क्या ही बोले, मतलब पानी वानी पिला ही रहे हैं और चाय वाय बना रहे हैं, बोले पहले बैठो आप चाय वाय पी के जाओ, उसके बाद ही आप ऊपर जाना, क्योंकि हमारे गाँव की जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मैं आपको मिलाता हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो देखो यहाँ गाइस हमें पानी मिल रहा है, हेलो बोल दो, हेलो ये हमें यहाँ पानी मिल रहा है। तो बस तो फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जा रहे हैं हम अब दूसरे घर की तरफ। अब देखते हैं दूसरे घर पे क्या क्या सुनने के लिए मिलेगा और क्या क्या चीजें होंगी, तो मिलते हैं। और ये मेरी मम्मी ने, पापा ने अटैची टांग रखी है, मम्मी को सबसे भारी बैग दिया है, वो भी दो दो सर में। ये होते हैं पुराने जमाने के लोग, हमारी बस के था ना, बिल्कुल नहीं है बस की हमारी, तो मेरी बस की तो नहीं है गाइस, इनको बुलाना है यहाँ, मेरी बस की बिल्कुल भी नहीं है इतना भारी बैग उठाना, मैं जिम भी नहीं जाता इसी चक्कर में, होती नहीं हाल से एक नंबर का हूँ, वो भी जैसे तैसे करके ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये दूसरा घर है, लेकिन बैड लक हम जब भी आते हैं तो ये हमारी दादी जी का घर है, जिनको हम अम्मा बोलते हैं, तो वो भी यहीं रहती थी, बट अब उनकी भी उम्र हो चुकी है, तो अब उनके जो लड़के हैं दीपूदा मेरे, वो भी जॉब वॉब कर रहे हैं बाहर। तो अब जो मेरी अम्मा जी हैं वो भी चले गई हैं पंजाब, तो ये घर हो चुका है अभी कुछ दिनों के लिए बंद। तो ऐसे ही हमारे गांव में सारे घर में लॉक लगते जा रहे हैं, सब शहरों की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर रोजगार है नहीं, तो बस भागो यार, मेरी मम्मी पापा चढ़ के आगे, और यहां पर रहता है बाघों का डर, तो यहां पर रहता है बाघों का डर। देखो गाइस ऐसे ऐसे हैं, तो मुझे भागना चाहिए, तो वो यहां पर ज्यादा ज्यादा घूमते हैं तो इसलिए डर बना रहता है। वैसे दिन में तो कोई डर नहीं है, शाम को 5:30 बजे के बाद 6 बजे के बाद थोड़ा बहुत डर सा रहता है, क्योंकि अंधेरे में वो बाहर आ जाते हैं और अटैक भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो ऐसा रास्ता है, खड़ा रास्ता एकदम, तो दोस्तों मुझे डर लग रहा है यहाँ पर, मेरी मम्मी ने एक बैग टंगा दिया है और ये एकदम खड़ा रास्ता है, आपको दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ से मुझे वहाँ पर जाना है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। गांव की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है गाइस, बहुत स्ट्रगल है लाइफ गाइस, देख रहे हो कैसे चल रहा हूँ। रास्ता नहीं है इधर तो गाइस,
तो गाइज ये हो चुका है पसीना पसीना और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर सकता। अब मैं आपको डायरेक्ट अपने जो घर है वहां जाके क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा डायरेक्ट वहीं पर, क्या हाल हो रखे क्या नहीं हो रखे, वहीं मिलता हूँ आपसे अपने गांव के वहाँ। तब तक आपको दिखा देता हूँ मैं कितना ऊपर चढ़ चुका हूँ और अभी हमें और ज़्यादा ऊपर चढ़ना है, बहुत ऊपर। देखो गाइस ये, और जो नीचे देखो हल्की सी रोड दिख रही है ये गाइस हम यहाँ से आ रहे हैं और ये लग रहा है कि पास में बहुत ऊपर है। आते आते अभी सच बताऊं हमें, एक मिनट गाइस, हमें सच बताऊं तो गाइस एक घंटा हो गया है। हाँ 20 मिनट हम बैठे भी हैं, 15-20 मिनट हम बैठे भी हैं नीचे, हमें एक घंटा हो चुका है। अब मेरे से और ब्लॉगिंग नहीं हो रही क्योंकि मेरी सांस फूल रही है और पसीने देखो गाइस कितने हो रहे हैं। तो आपसे मैं ऊपर जाके मिलता हूँ, दिखाता हूँ आपका घर का क्या हाल हो रखा है क्या नहीं हो रखा। चलो गाइस मिलते हैं आपसे, बाय बाय। घर पहुंचने के बाद मैंने कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिसे मैं अगर आपको अभी दिखाऊंगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। व्लॉग को यहां तक देखने के लिए, यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।